सांसद निशिकांत दुबे आज दुमका कोर्ट अपने पेशी में आए थे। आदर्श आचार संहिता का एक मामला में उनके यहाँ सुनवाई थी। कोर्ट से निकलने के बाद सांसद ने दुमका परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और झारखंड की राजनीति से जुड़ी बड़ी बात कही। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड के दो विधानसभा में दुमका और बरहेट में जल्द ही चुनाव होगा और उपचुनाव होगा। ये उपचुनाव नवंबर में होगा। ये भविष्यवाणी उन्होंने की दुमका के सर्किट हाउस से कि नवंबर में दुमका में चुनाव होने वाला है, बरहेट में चुनाव होने वाला है। हम बता दें, बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सुना चुनाव लड़ते हैं और दुमका से उनके भाई बसंत सोरेन चुनाव लड़ते हैं। और सांसद ने कहा यहाँ जल्द ही चुनाव होगा, इसकी वो तैयारी करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस चुनाव में अक्टूबर से नवंबर तक एक महीना दुमका में रहेंगे और दुमका को सीट को हर हाल में जीतेंगे। क्या कहा सांसद निशिकांत दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप खुद सुनिए। कि दुमका विधानसभा में जो है फिर से एक बार चुनाव आने वाले, उपचुनाव की संभावनाएं जो है दुमका में बढ़ गई। जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा, भाई भतीजावाद बढ़ा, जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में कहा, उसका सबसे जीता जागता उदाहरण यही दुमका। पिछले 40-42 साल से एक ही परिवार इस दुमका में प्रभावी है। पिताजी सांसद हैं तो बेटा विधायक है, वाइफ जो है एमएलए है, बेटा एमएलए है तो बेटे की वाइफ भी एमएलए है। इस दुमका में जो है कभी भी एक परिवार के बाहर राजनीति नहीं जाती। और जब एक परिवार राजतंत्र की तरह प्रभावी होता है तो वो गलतियां करता है। वो गलतियां ये करता है कि उसको लगता है कि ये प्रजातंत्र नहीं है, राजतंत्र। और राजतंत्र में जो राजा ने फैसला कर लिया वही सही है। और मुझे लगता है कि उसी की परिणति है कि जहां तक मुझे संभावना दिखाई दे रही है, अब कल क्या होगा वो माननीय चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन चुनाव आयोग में जो हमारा केस है, चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पर गए हैं और जो कानून के सलाहकार अपने को जानकारी दे रहे हैं, उसके हिसाब से हमको लगता है कि संथाल परिणाम में दो चुनाव बरहेट और दुमका का ये केस है। भारतीय जनता पार्टी समय बताएगा, लेकिन ज़्यादातर संभावना जो दिखाई देती है कि वो आ रहा है। उस कारण से मैंने सभी को आह्वान किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और दुमका के लोगों को भी, बरहेट के लोगों को भी, कि इस बार मौका है आपके पास इस राजतंत्र को उखाड़ फेंक। आज़ादी का ये 75 साल है। 75 साल पहले जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण की आहुति दी, जो परिवार शहीद हुआ, वो कभी भी एमपी एमएलए मुख्यमंत्री होने के लिए नहीं सही। उन्होंने आंदोलन जो है अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने के लिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो ये आंदोलन के साथ, और वो ताकत जो बाबा साहब अंबेडकर ने दी, उसमें जो कुछ परिवार काबिज हैं इस देश में, खासकर इस दुमका में, अपने पास ये बैलेट एक ऐसा साधन है जिसमें से हम यहाँ से मैसेज दे सकते हैं, झारखंड को बचा सकते हैं। ये झारखंड को बचाने का सवाल है। इसके लिए विशेष तौर पर आप लोगों को मैंने कह सकते हैं। और यदि ये चुनाव होगा तो मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर में गुजरात चुनाव के साथ ही जो है बरहेट और दुमका का चुनाव। गोड्डा सांसद ने स्पष्ट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शिकायत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके भाई के खिलाफ
निर्वाचन आयोग के पास मामला चल रहा है और उसमें जल्द ही फैसला आ जाएगा और फैसला भाजपा के पक्ष में आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पूर्व जो भी भविष्यवाणी वो दुमका के सर्किट हाउस में किए हैं वो पूरा हुआ है और यह भविष्यवाणी भी पूरा होगा। देखना दिलचस्प होगा सांसद निशिकांत दुबे के बयान को सत्तारूढ़ JMM किस तरह से लेती है। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह।